आदित्यम संस्कृत की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा दसम, जिसमें चलने वाली पाठ्यपुस्तक है पीयूषम द्वितीय भाग, उसके दसम पाठ मंदाकिनी वर्णनम का अभ्यास कार्य। इसके पूर्व हम लोगों ने पाठ नौ तक, नवम पाठ तक जो पद्य या गद्य है संस्कृत के पाठ्यपुस्तक का, उसके अर्थ को जान लिए हैं और नवम पाठ तक के अभ्यास कार्य को भी जान लिए हैं हम लोग। दसम पाठ जो मंदाकिनी वर्णनम है, चित्रकूट पहुंचकर मंदाकिनी नदी का वर्णन जो किया गया है, राम ने सीता को मंदाकिनी नदी दिखाया है, मंदाकिनी की शोभा को दिखाया है, इस पाठ के अर्थ को भी हम लोगों ने जान लिया है। अब इस वीडियो के माध्यम से हम लोग मंदाकिनी वर्णनम जो पाठ्य पुस्तक में दसम पाठ है उसके अभ्यास कार्य को देखेंगे, जिसमें हमारा मौखिक और लिखित दोनों ही प्रकार का अभ्यास है और हमारे मैट्रिक एग्जामिनेशन के लिए अत्यंत उपयोगी है, इससे प्रश्न आता ही है। इसलिए इस मंदाकिनी वर्णनम पाठ के अभ्यास कार्य को हम अच्छी तरह से समझेंगे। पहला प्रश्न कहता है मौखिक अभ्यास का कि एक पदेन उत्तरम वदत। आप देखेंगे अपनी पाठ्य पुस्तक के अभ्यास कार्य में अभ्यास मौखिक जहां आरंभ होता है उसका पहला प्रश्न है एक पदेन उत्तरम वदत, एक शब्द में उत्तर बोलिए। हमेशा इस बात को बताते हैं, इस बात को हमेशा ध्यान रखना है कि निर्देश के अनुसार ही हमें उत्तर लिखना है। यदि कहा जा रहा है कि एक शब्द में, एक पद में उत्तर लिखिए, तो हमारा उत्तर एक पद में ही होना चाहिए। क प्रश्न है अस्मिन पाठे का नदी वर्णिता अस्ते, इस पाठ में किस नदी का वर्णन है, तो हमारा एक पद में उत्तर क्या हो जाएगा, मंदाकिनी। इस पाठ में किस नदी का वर्णन है, तो मंदाकिनी नदी का वर्णन है, बगल में मैंने उत्तर भी लिख दिया है। ख प्रश्न है मंदाकिनी कस्य नलिनी इव सर्वतः राजते, मंदाकिनी कह रहा है कि किसके सरोवर, कस्य नलिनी किसके सरोवर, इव माने तरह, किसके सरोवर के तरह, किसके सरोवर के समान सर्वतः राजते, सब ओर से सुशोभित हो रही है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, राजराजस्य। और राजराजस्य का अर्थ क्या होता है, कुबेर। यहां राजराजस्य भी लिख सकते हैं, यहां उत्तर में हम कुबेरस्य भी लिख सकते हैं, कुबेर के या राजाओं के राजा के। ग प्रश्न है हमारा मंदाकिनी नदी के अवगाहंते, मंदाकिनी नदी के अवगाहंते, मंदाकिनी नदी में कौन स्नान कर रहे हैं, तो उत्तर क्या हो जाएगा, ऋषयः, ऋषिगण। घ प्रश्न है मंदाकिनी रामः मंदाकिनी नदीं काम दर्शयति, राम मंदाकिनी नदी को किसे दिखाते हैं, किसको दिखाते हैं, तो उत्तर क्या हो जाएगा, सीताम, सीता को। राम ने मंदाकिनी वर्णनम इस पाठ में राम ने सीता को मंदाकिनी की शोभा को दिखाया है, संकेत किया है बार बार सीता को कि देखो। अंगा प्रश्न है हमारा मंदाकिनी वर्णनम कुतः संग्रहितम अस्ति, मंदाकिनी वर्णनम जो यह पाठ है कहां से लिया गया है, कहां से संग्रहित है, तो इसका उत्तर हम लिखेंगे वाल्मीकि रामायणात, वाल्मीकि रामायण से लिया गया है। च प्रश्न है मुनयः कम उपतिष्ठन्ते, मुनिगण किसकी उपासना कर रहे हैं, तो उत्तर क्या हो जाएगा, आदित्यम, आदित्यम उपतिष्ठन्ते नियमातुर्धवाहवः, नियम से अपनी दोनों भुजाओं को ऊपर उठा करके मुनिगण उपासना कर रहे हैं भगवान सूर्य की, ऐसा हम लोगों ने पाठ में पढ़ा है। और वहीं यहां लिख रहा है कि मुनयः कम उपतिष्ठन्ते, मुनिगण किसकी उपासना करते हैं, तो लिखेंगे हम आदित्यम। छ प्रश्न है हमारा किदृशानि तीर्थानि रतिं संजयन्ते, कैसे घाट हृदय को प्रसन्न कर रहे हैं, तो हमारा उत्तर होगा रमणीयान, रमणीय, जो मंदाकिनी नदी के रमणीय तीर्थ हैं, रमणीय तट हैं, घाट हैं, वह जो है हमारे हृदय को प्रसन्नचित कर रहा है। अब हम दूसरे प्रश्न की तरफ आ जाते हैं मौखिक अभ्यास के,
और वह कहता श्लोकांशम योजयित्वा पूर्णम श्लोकम वदत्। श्लोकांशम योजयित्वा, श्लोक का जो अंश छूट गया है उस अंश को जोड़ करके पूर्ण श्लोक बोलिए। ये पाठ्य पुस्तक में जो है श्लोक हम लोगों के लिखा हुआ है और यहाँ दो श्लोक दिया है। से लिखा है जटाजिंधराह काले, रिक्त कर दिया, और फिर लिखा ऋषयः तवावगाहन्ते, फिर रिक्त स्थान दे दिया है, लेकिन हमने इसमें भर दिया है और आप अपनी पाठ्य पुस्तक से भी देख सकते हैं। पूरा क्या हो गया, जटाजिंधराह काले वलकल उत्तरवाससा ऋषयः तव अवगाहन्ते नदीं मंदाकिनीं प्रिये, और ख पद्य है दर्शनम चित्रकूटस्य, रिक्त स्थान है और फिर रिक्त स्थान नीचे की लाइन में देके लिखा मन्ने तौ च दर्शनात्। तो पहले वाले में क्या भर देंगे, मंदाकिन्याश्च शोभने, और नीचे की लाइन में लिख देंगे अधिकम पूर्ववासश्च। अंतिम पद्य है मंदाकिनी वर्णनम पाठ का, या क्या है अंतिम पद्य है, और वहां लिखा दर्शनम चित्रकूटस्य मंदाकिन्याश्च शोभने अधिकम पूर्ववासः च मन्ने तव च दर्शनात्। आगे हम चलते हैं और आगे हम लोगों का लिखित अभ्यास आरंभ होता है, जिन प्रश्नों का उत्तर लिखना होता है। हम तो आपको अध्ययन कराना है और समझने के लिए मौखिक जो आपका अभ्यास है उसको भी मैंने लिख के उसका उत्तर बता दिया है, ताकि हमारे छात्र जो है बढ़िया से इस बात को समझें। और ऐसे भी आप कक्षा दसवीं के छात्र हैं बिहार बोर्ड के, तो आप नए हैं तो इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। मैट्रिक एग्जामिनेशन तक जितना भी इम्पोर्टेंट तथ्य है आपके परीक्षा से संबंधित हम आपको प्रदान करने का पूरा प्रयास करेंगे। ऐसे भी पत्र लेखन, अनुच्छेद लेखन, कारक प्रकरण, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय इत्यादि जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है, मैंने उन सब का वीडियो पढ़ा करके बना के आप लोगों को प्रदान कर दिया है, जिससे हमारे छात्र बढ़िया से समझें और आगे बढ़ें, उत्तम अंक अर्जित करें। देखते हैं हम अपने लिखित अभ्यास को। लिखित अभ्यास है, पहला क्वेश्चन यहाँ लिखता है एक पदेन उत्तरम लिखत। यहाँ भी कह रहा है कि एक शब्द में उत्तर लिखिए, और क प्रश्न है मंदाकिनी नदी कस्य पर्वतस्य निकटे प्रवहते। मंदाकिनी नदी किस पर्वत के नजदीक बहती है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, चित्रकूट पर्वतस्य। पढ़े भी हम लोग मंदाकिनी नदी किस पर्वत के नजदीक बहती है भाई, तो चित्रकूट पर्वत के। हमारा उत्तर क्या होगा, चित्रकूट पर्वतस्य। ख प्रश्न है नृत्यति इव कः प्रतिभाति, नृत्यति इव कः प्रतिभाति, नाचते हुए कौन मालूम पड़ रहा है, तो उत्तर क्या लिखेंगे, पर्वतः। वहां आया था ना कि नदी के दोनों किनारों पर पेड़ पौधे और लताओं के जो शिखर भाग हैं तेज हवा के चलने से इस प्रकार हिल रहे हैं मानो पर्वत नृत्य कर रहा हो। और पढ़ाते वक्त मैंने बताया था कि यहां किस पर्वत की चर्चा की गई है, मंदराचल पर्वत की। समुद्र मंथन में जब एक तरफ से देवता और एक तरफ से दानव उस पर्वत को शेष नाग को लपेट करके खींच रहे हैं, तो वह पर्वत क्या कर रहा है, नृत्य कर रहा है। ग प्रश्न है सांप्रतम कैह पेतानि जलानि कलुषितानि, सांप्रतम इस समय कौन या किन के जल पीने से गंदा हो गया है, जल गंदा हो गया है, इस समय किसके पीने से जल गंदा हो गया है, जो घाट का जल है, तो उत्तर क्या लिखेंगे, मृगयूथ निपितानि, पशु समूह के, पशु समूहों के जल पीने के कारण वहां का घाट क्या हो गया, इस समय गंदा हो गया, वहां घाट का जल गंदा हो गया है। घ प्रश्न है ऊर्ध्वबाहवः के संते अपने दोनों भुजाओं को कौन उठाए हुए हैं, तो उत्तर क्या हो गया, मुनयः, मुनिगण। अंगा प्रश्न है विशालाक्षे एकस्याः कृते संबोधनम्, विशालाक्षे कहकर ऐसा किसके लिए संबोधन किया गया है, तो उत्तर हो जाएगा हमारा सीतायाः, सीता के लिए संबोधन किया गया है। अब हम आ जाते हैं प्रश्न संख्या दो पर, और ये कहता है कि पूर्ण वाक्य न उत्तरम लिखत, पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखिए। क प्रश्न है हमारा हंस सारस सेविता विचित्र पुलिना च का, हंस सारस सेविता, हंस और सारस पक्षियों द्वारा सेवित और रंग बिरंगे तटों वाली कौन है, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, पूर्ण वाक्य में यहां लिखना है एक वाक्य में, तो उत्तर लिखेंगे हम हंस सारस सेविता विचित्र पुलिना च मंदाकिनी,
हंस और सारस पक्षियों द्वारा सेवित और रंग बिरंगी तटों वाली मंदाकिनी नदी है। ख प्रश्न कहता है, संसित व्रताह मुनयः किम कुर्वन्ति। नियम से व्रत करने वाले संसित व्रताह, नियम से व्रत करने वाले मुनयः मुनिगण किम कुर्वन्ति, क्या करते हैं? तो हमारा उत्तर होगा, संसित व्रताह मुनयः ऊर्ध्वबाहवः नियमात् आदित्यम् उपतिष्ठन्ते। नियम से व्रत करने वाले मुनिगण अपने दोनों भुजाओं को ऊपर उठाकर भगवान सूर्य की उपासना कर रहे हैं। गौ प्रश्न है, श्री राम मंदाकिन्याम पुप्लुयमनान कान दर्शयति। श्री राम मंदाकिन्याम पुप्लुयमनान कान दर्शयति। कह रहे कि श्री राम जो है मंदाकिनी नदी में तैरते हुए किस चीज को दिखा रहे हैं? तो उत्तर लिखेंगे हम, श्री राम मंदाकिन्याम पुप्लुयमनान जलमध्यगान पुष्प संचयान दर्शयति। श्री राम उस मंदाकिनी नदी में तैरते हुए जल के बीच में पुष्पों के समूह को दिखाते हैं। घ प्रश्न है हमारा, सिद्ध जना किरणाम मंदाकिनीम का पश्यति। सिद्ध जना किरणाम मंदाकिनीम का पश्यति। सिद्ध जनों द्वारा तपस्या किया जाता हुआ मंदाकिनी मंदाकिनी के तट पर काम पश्यति, किसको दिखाते हैं? तो लिखा यहां, सिद्ध जना किरणाम मंदाकिनीम सीता पश्यति। सीता देखती है, कौन देखता है? तो यहां क्या हो गया कि सिद्ध जनों के द्वारा तपस्या किया जाता हुआ मंदाकिनी का तट जो है सीता पश्यति, सीता देखती है। अंगा प्रश्न है, मंदाकिनी वर्णनस्य रचयिता कः। मंदाकिनी नदी के वर्णन, मंदाकिनी वर्णनस्य, मंदाकिनी वर्णन के रचयिता का रचयिता कौन है? तो उत्तर लिखा, मंदाकिनी वर्णनस्य रचयिता वाल्मीकि अस्ति। मंदाकिनी नदी के वर्णन करने वाले रचयिता वाल्मीकि हैं। पढ़े भी हम लोग कि वाल्मीकि रामायण के 95वें सर्ग से जो है उन पद्यों को लिया गया है जो मंदाकिनी वर्णनम पाठ में हम लोगों ने पढ़ा है। चौ प्रश्न है हमारा, मंदाकिनी वर्णनम रामायण से कस्मिन कांडे अस्ते। मंदाकिनी वर्णनम यह जो पाठ है रामायण के किस कांड में है? तो हमारा उत्तर होगा, मंदाकिनी वर्णनम रामायण से अयोध्या कांडे अस्ते। मंदाकिनी वर्णनम रामायण के अयोध्या कांड में है। और छह प्रश्न है हमारा, शुभागिरह के निष्कुजंती। कल्याणकारी आवाज में कौन गा रहे हैं? तो उत्तर लिखेंगे, शुभागिरह द्विजाह निष्कुजंती। कल्याणकारी आवाज में जो है पक्षी कूज रहे हैं, पक्षी क्या कर रहे हैं? गा रहे हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं प्रश्न संख्या 3 पर, और यह कहता है, रिक्त स्थानानि पूरयत्। रिक्त स्थान को पूरा करें। कलिखा विचित्र पोलिनाम रम्याम और रिक्त दे दिया। फिर रिक्त दे के लिख दिया, पश्य मंदाकिनीम नदेम। तो इसे हम लोग अपने से कर लेंगे। या हमारे पाठ्य पुस्तक में भी है, पूरा लिख लेंगे, विचित्र पोलिनाम रम्याम और भर देंगे हंस सारस सेविताम, और नीचे की लाइन में भर देंगे कुसुमय हरूप संपन्नाम, और लिखा ही है पश्य मंदाकिनीम नदीम। अपनी पाठ्य पुस्तक में देख के भर लेंगे, या जो बोल रहे हैं उसे भी आप लिख लेंगे। ऊपर वाले में हंस सारस सेविताम भर देंगे और नीचे वाले में कुसुमय हरूप संपन्नाम। ख कहता है, क्वचित मणिनिका सोदाम। क्वचित रिक्त स्थान, वहां क्या हो जाएगा? पुलिन शालिनीम। और क्वचित सिद्ध जना किरणाम। क्वचित के बाद क्या भर देंगे? सिद्ध जना किरणाम। और पश्य के बाद भर देंगे मंदाकिनीम नदीम। ये तो आसान है, अपनी पुस्तक से भी आप कर लेंगे। प्रश्न संख्या 4 को देखते हैं। 4 कहता है कि उदाहरणम अनुसृत्य, उदाहरण का अनुसरण करके कोष्ठक गत पदानाम समुचितम प्रयोगम कृत्वा वाक्यानि रचयत। कोष्ठक में दिए गए उचित जो है पदों का प्रयोग करके वाक्य को पूरा कीजिए। या उदाहरण दिया, मंदाकिनीम नदी अंसार सेविता कुसुमय रूप संपन्ना, अरिक्त दे दिया उदाहरण में। तो क्या भर लेंगे यहाँ?
नव्या रम्या भव्या, तो आया है क्या पद्य में रम्या, यहां क्या भर देंगे, यहां लिख देंगे रम्या, रो अमो यो संयुक्त और आकार हो जाएगा क्या रम्या, यहां लिखा हुआ ये रम्या, रम्या भर लेंगे। फिर हम आ जाएंगे यहां नीचे, इसका अच्छा उत्तर भी लिखा हुआ, मंदाकिनी नदी अंसार सेविता कुसुमय रूप संपन्ना रम्या अस्ते। फिर अब हम प्रश्न में आ जाते हैं, कौ कहता है कि सीता रामचंद्रस्य, अरिक्त दे दिया, माता प्रिया पुत्री, माने सीता रामचंद्र की क्या थी, माता थी कि प्रिया थी कि पुत्री थी, हम सभी जानते हैं क्या थी, प्रिया थी। फिर हम ख में आ जाते हैं, कहता है कि जटाजिंधरा हरिशयः, जटाजिंधरा हरिशयः रिक्त अवगाहन्ते, तो क्या लिख देंगे हम मंदाकिनी। अब जो उचित उत्तर है उसी उत्तर को मैं यहां लिख दिया हूं, बाकी ऑप्शन आप अपने पाठ्यपुस्तक के अभ्यास कार्य से देख लें या देख सकते हैं। गौ लिखा संसित व्रता मुनय रिक्त उपतिष्ठन्ते, क्या भर देंगे आदित्यम, और देखिए यहां भी आदित्यम आ गया, और मैंने जो ये चैनल बना रखा है इसका भी नाम मैंने आदित्यम ही रखा है, आदित्यम संस्कृत। और फिर लिखा नदीम अभितः रिक्त प्रणित एव, तो नदीम अभितः पर्वतः प्रणित एव, पूर्वासात रिक्त दर्शनम अधिकम महत्व प्रणम, तो पूर्वासात के बाद रिक्त स्थान में भर देंगे चित्रकूटस्य, पूर्वासात चित्रकूटस्य दर्शनम अधिकम महत्व प्रणम। दक्षिणः सॉरी पक्षिणः पर्यायवाची रिक्त अस्थि, क्या लिख देंगे द्विजः, और छ कहता अस्मिन् पाठे रथांग आहवयना चक्रवाकस्य खगस्य पर्यायवाची अस्ति, इस रिक्त स्थान में क्या भर देंगे चक्रवाकस्य, वहां नीचे मैंने लिख भी दिया है। तो हम लोगों ने इस पाठ के अभ्यास कार्य को जो है अध्ययन कर लिया, लगभग इस पाठ का जो अभ्यास कार्य है वह हम लोगों का पूर्ण हो गया, लगभग ही नहीं पूर्ण हो गया, लिखित अभ्यास भी यहीं तक है। यदि आपको यह अभ्यास कार्य अच्छा लगा तो आप अवश्य लाइक करके मुझे संकेत देंगे, आप लोग लाइक करने में भी कंजूसी करते हैं, लाइक करके दसवीं कक्षा के छात्र जरूर संकेत करें कि आपको हमारी बात जो है समझ में आए, अपने मित्रों को भी इस वीडियो को शेयर कीजिए, वो भी जाने वो भी पढ़ें आगे बढ़ें। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और मित्रों को भी सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित कीजिए, जो दसवीं कक्षा के छात्र हैं। फिर हम मिलते हैं एकादश पाठ के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।